नमस्कार फरीदाबाद, हम पहुंचे हैं बड़खल गांव में और लगातार बड़खल गांव वालों का विरोध होता रहा है। विरोध किस वजह से बता दें आपको, जो यहां पर तोड़फोड़ की जो कार्रवाई की जा रही है नगर निगम द्वारा, उसका लगातार विरोध किया जा रहा है। उसको जो है एक पक्षपात और एक जो लोगों के खिलाफ जो है एक अभियान बताया जा रहा है, क्योंकि जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो गाँव तक आ पहुंची है। नगर निगम की जो तोड़फोड़ जो दस्ता आया था उनका कहना था कि हम जो वन अरावली क्षेत्र जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन गांव तक अभी वो दस्ता आ पहुंचा है। और जो गांव के जो पुराने जो रहनुमा है, जो गांव में काफ़ी बरसों से जो यहां से रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनको भी तोड़ा जा रहा है। और अभी पहुंचे हम हरिजन मोहल्ला है और बिल्कुल जो लोग यहाँ पर कई सालों से, लगभग सैकड़ों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके घरों को तोड़ दिया गया है सैकड़ों सालों से। और अभी लोग देख सकते हैं आप कितनी भारी संख्या पर लोग मौजूद हैं और लगातार जो प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, और एक तरफा इसको कार्रवाई बताया जा रहा है। और अभी हमारे साथ दिल्ली से भी कुछ आए हैं, भारतीय लेबर कमीशन से। सर क्या नाम है? मेरा नाम दुली चंद है, मैं एक गरीबों की सेवा के लिए बैठा हुआ हूँ और यहाँ मेरे कुछ रिश्तेदार और रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसा सा हो गया। जब मैंने यहाँ पर मैं आया तो मैंने देखा ये पूरी गली सारी तोड़ के चले गए, तो मैंने उनसे पूछा मैंने कि ऐसे कैसे तोड़ के बिना नोटिस के, जो पहले नोटिस दिया जाता है जब आदमी तोड़ा फोड़ी चालू होती है, उन्होंने बिना नोटिस के। तो उन्होंने मुझे, गांव वालों ने बताया कि भाई हम इसमें 5-6 साल से हम केस लड़ रहे थे, हम उसमें केस जीत चुके हैं। मतलब केस जीतने के बाद भी इन्होंने ये ऐसा हल करा एमसीडी वालों ने, ये बहुत गरीब आदमियों के साथ बहुत बुरा करा इन्होंने। और फरीदाबाद हम बता दें आपको, जो कार्रवाई की जा रही है नगर निगम द्वारा, जो कार्रवाई की जा रही है वो यह कहकर की जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है अरावली वन क्षेत्र को हटाने के लिए, अरावली वन क्षेत्र को साफ करने के लिए, लेकिन उसमें जो भेदभाव किया जा रहा है उसको लेकर लोग यहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं, इकट्ठा कर हुए हैं और लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। कल भी इकट्ठा हुए थे, सड़कों पर प्रदर्शन किया था। क्यों? क्योंकि जो कार्रवाई की जा रही है वो एक तरफा और गरिमा जिसको कह सकते हैं, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो अरावली वन क्षेत्र में, ये पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है, लेकिन कार्रवाई केवल बड़खल गांव में, कह सकते हैं बड़खल गांव में की जा रही है। ये पुराने जो बाशिंदे हैं, पार्षद के चुनाव भी लड़ चुके हैं, मोहसिन खान जी। ऐसा सर ये जो लोगों के साथ हो रहा है नाजायज हो रहा है, जो बड़खल गांव के अंदर तक तोड़फोड़ की जा रही है। इन्होंने जो ऑर्डर थे वो जो फॉर्म हाउस थे और जो पहाड़ में लोग बसे हुए थे, ये तो ये पूरी डांग से लेकर यहाँ तक, ये तो गांव अंदर गांव में के लोग हैं और गांव के लोगों को नाजायज सताया जा रहा है। जो लोग पहाड़ों में बसे हैं उनको तो नहीं छेड़ा जा रहा, जो सदियों से यहाँ बसे हुए हैं उनको छेड़ा जा रहा है। परसों भी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा तोड़फोड़ी करके गए हैं लोग, प्रशासन के लोग, और उधर डांग में भी तोड़फोड़ी करके गए हैं। और जो आगे भी लोग सहमे हुए हैं कि जी ये कह रहे हैं कि जी बड़ी मस्जिद का पूरा एरिया टूटेगा, जो हरिजन बस्ती है ये पूरी टूटेगी, तो इस चीज से लोगों को एक दहशत हो गई है। गांव का दस्ता गांव तक घुस चुका है। जी, पूरा अंदर गांव तक घुसा हुआ है ये, क्योंकि ये तो गांव है और सदियों से जो इनके कितनी 3-4 पीढ़ियां बदल रहता है, कई पीढ़ियां यहां पर बसी हैं। और तो ये हालात जो है यहाँ, हमारे यहाँ ज्यादातर लेबर क्लास है और लोग इतने परेशान और डरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर थे वो जो अरावली क्षेत्र है फॉरेस्ट के लिए है, और जो यहाँ के जो है ये तो गांव के बाशिंदे हैं, ये जो पीएलपीए की जगह थी वो उसके लिए हटाने के लिए थी, लेकिन जो हमारे ये सुप्रीम कोर्ट की कॉपी भी आज हम डीसी से भी मिले, डीसी साहब को भी दिखाया कि जी जो है जो ये जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की जो जजमेंट है वो इसमें स्पष्ट है, जो ऑर्डर से हम बता दें आपको, क्योंकि जो अरावली वन क्षेत्र जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें जो तोड़फोड़ के आदेश दिए गए थे उसके लिए आदेश हैं, लेकिन जो गांव में जो अंदर जो तोड़फोड़ की जा रही है ये बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि गांव में कई सैकड़ों वर्षों से लोग बसे हुए हैं। हरिजन मोहल्ला दिखा दें एक बार आपको, ये सामने चौपाल है और ये सारा यहाँ पर जो पुराने घर बसे हुए हैं, लेकिन और अभी इस तरफ देखिए आप, ये सारे दिखा दीजिए एक बार, सारे पुराने घर बसे हुए हैं और काफी वर्षों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, इनको भी यहाँ पर तोड़ा गया है। देखिए ये पुराना, काफी पुराना मोहल्ला हरिजन मोहल्ला है बड़खल गांव का, कुछ भी ना रहा। तो फिर इधर भी दिखाएंगे आपको, पूरे गांव में तोड़फोड़ की गई है और लोगों के जो घर है उजाड़ दिए गए हैं। लोग बड़ी मेहनत से अब पैसे इकट्ठे करके, पैसा पाई इकट्ठा करके अपने मकान बनाता है, लेकिन जो आप देख सकते हैं जो रास्ता है गांव का कदीमी रास्ता है, और इसी रास्ते पर जो लोगों ने घर बनाए हुए हैं
ये कोई पहाड़ नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई पहाड़ी एरिया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर नगर निगम ने सीवरेज डाल रखी है, यहाँ पे बिजली के मीटर लगे हुए हैं, यहाँ पे वो तो आप लोग देख ही सकते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, आप देख सकते हैं ये कोई पहाड़ नहीं है, ये गांव का एरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है। देखिए किस तरह से लोगों के घरों को बेरहमी से नगर निगम द्वारा तोड़ दिया गया है। तो ऐसे में इन प्रशासनिक अधिकारियों, बेलगाम प्रशासनिक अधिकारियों पर क्या कार्रवाई बनती है, यह भी बड़ा सोचनी। देखिए किस तरह से गांव का रास्ता आप देख सकते हैं, यह कोई पहाड़ी एरिया नहीं है, ये अरावली वन क्षेत्र नहीं है। ये देखिए सीवर डली हुई है, यहाँ पर पाइपलाइन है, पानी है, बिजली है, सब कुछ सुविधाएं यहाँ पर है लोगों को, और लोग सीवर के ढक्कन है। और ये हमारे मंदिर का रास्ता यही है। अच्छा मंदिर का सही है, मंदिर का रास्ता यही है सारा, जो हमारा मंदिर बना है ये रास्ता यही है मंदिर का, कहाँ से निकलेंगे कहाँ से बढ़ेंगे। किसका घर वो ये है, किसके घर है कोई इनके घर तोड़े हैं, कौन है वो लोग, बाहर के हैं, गांव के हैं, कौन गांव के ही है, गांव के हैं सारे, हमारे पूरे गांव के ही घर है जी। आप बोलो ना जी, बड़कल गांव गांव है ती घर है। आ जाओ जरा बताओ, गांव के लोग बड़कल गांव के लोग हैं और ये जो घर बसे हुए हैं ये गांव के ही हैं। तो फरीदाबाद बिल्कुल नाइंसाफी है, क्योंकि जो लोग यहां पर रह रहे हैं वो बता दें हम अयूब खान जी हैं और मेरे ख्याल बचपन से ही रह रहे हैं। कब से जी यहां पे? कम से कम 70-75 साल हो गए, हमारे दादा भी पिताजी भी हैं, हम तो गांव के रहने वाले हैं, यहां पे जमींदार हैं, प्रॉपर गांव के रहने वाले हैं, गांव में उनकी जमीन तोड़ी जा रही है, जो प्रॉपर गांव के रहने वाले हैं उनके घर तक तोड़े जा रहे हैं जी। दादा परदादा यहाँ पे रहे थे हमारे, और हमारी तो मिलकियत है कुल मिलाते यहाँ पे, और हमारी भैंस बकरियां सब रहती थी यहाँ पे, हमारे काफी दिन से रह रहे हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हो, जब नगर निगम अधिकारी आए तो उन्होंने क्या कहा? नहीं मैं गया था किशनपाल के पास, में गया था साथियों को लेके गया था, वहाँ पे कह रहा जो पहले जो टूट चुका टूट जा, अब नहीं टूटेगा, तुम्हारा आश्वासन दिया था, दूसरे दिन पेपर में भी दिया था, अब नहीं टूटेगा, उन्होंने किशनपाल ने कहा था। फिर तोड़फोड़ दूसरे तीसरे दिन आ गए थे यहाँ पे, नहीं गाँव में नहीं जाएंगे। किशनपाल जी ने कहा था जो पुराने बसावट वो नहीं तोड़ी जाएगी, जो जमाई कॉलोनी है वो तोड़ दी गई है, आगे अब कोई नहीं बढ़े, पहाड़ में जो लोग बस रहे हैं वो उनको तोड़ा जाएगा। अरावली में हमारा कोई क्षेत्र नहीं आ रहा, नगर निगम के अंतर्गत आती है, और हम कम से कम भी ना तो 400 साल 500 साल से हमारा गांव बसा हुआ है, जब से हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा यहाँ पे, दादा हमारे हमें दे गए, हमारे पापा को दे गए। सबसे पहले बात तो ये है कि गांव जो भी गांव है वो सारे ना सरकार के दिए होते हैं, गांव उसी को रजिस्ट्री तो होती नहीं है, वो तो गांव को तो सरकार देती है ना, तो सरकार इसको क्यों तबाह करी है? सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को जो है तोड़ मरोड़ कर कार्रवाई की जा रही है गांव पर, जो एक तरह से इसे राजनीतिक स्टंट भी कह सकता है। हरिजनों को हिसाब से मिली थी, जो पंचायती राज ने मकान बना लिए थे, पक्के मकान सेवा 35 साल से कम भी ना तो मीटर लगे हो गए हमारे, और 1994 से हाउस टैक्स दे रहे नगर निगम को, फिर हमारे साथ ये जायती करी जा रही है। हम गांव के रहने पर हमारे फर्ज जमींदार आदमी, गांव के जो लोकल लोग हैं, जो गांव के बाशिंदे हैं उनको उजाड़ा, और घर खाली करने का मौका नहीं दे रहे, घर फोड़ रहे, तो सामान बच्चे दब जाते, कल परसों बच्चे दब जाते इस वाले घर। 14 तारीख की सिटे तो ले रखी थी हमने इसकी, लेकिन हमारे कुछ नहीं तारीख सिटे मिले, कागज नहीं, कुछ नहीं कागज, उन्होंने फेंक दिया कागज, सुनी नहीं हमारी कोई बात, उन्होंने बार बार बोल भाई हमारी जमींदार आदमी, हम रहने वाले गांव के, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। आगे दिखाते हैं एक बार, तो फरीदाबाद ये बता दें, सारा एरिया है ये जो बड़कल गांव का है, आप देख सकते हैं कहीं भी यहां पर पहाड़ आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये बाशिंदे हैं जो बहुत पुराने हैं और पैदाइशी यहाँ पर रह रहे हैं और लोकल हैं गांव के लोग, लेकिन इनके घरों को भी प्रशासन द्वारा उजाड़ा गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं एक तरफा कार्रवाई, ये देखिए किस तरह से, अब ये पीछे हम हमारे देखेंगे, ये पीछे सारा पहाड़ है, लेकिन जो ये एरिया है ये सारा गांव का है, और जो पहाड़ के जो एरिया है वहाँ पर PLP एक्ट लागू है, वहाँ पर ये कार्रवाई होनी थी, लेकिन अभी जो है जो नगर निगम का दस्ता बिल्कुल गांव में घुसा गया है, और जो गांव के जो लोग हैं जो पुराने बाशिंदे हैं उनको तोड़ा जा रहा है। हाँ जी सर, ये जो है जो गवर्नमेंट ने तोड़ा है, अब काफ़ी लोगों को, और भी आज भी पुलिस वाले आए थे और यहाँ बोल के गए थे कि यहाँ से और घटी ऊपर तक सेठी गार्डन तक सारा तोड़ेंगे। हाँ तो आज भी 2 सुबह पुलिस वाले आए थे, अपना अपना सामान खाली कर लें, जो सदियों से जो गांव के लोग हैं रह रहे हैं, बड़ी मस्जिद के पीछे का एरिया है वो सारा सदियों, हमारी कितनी पीढ़ियां आ गई हैं वहां रहते रहते, उनको
बदलते बदलते, लेकिन फिर भी जो है ना अब पुलिस वाले बोल गए तो लोग डरे हुए हैं, अपने बच्चों को कहाँ का लेके जाएंगे हम? और यार लोगों में लोग कहाँ जाएंगे? 1980 तक का हमने राशन कार्ड भी दिखाया है, 1994 का दिखाया, 1996 का दिखाया है, और 94 में नगर निगम आई है, उनके तो 26 साल का रिकॉर्ड तो नगर निगम के पास खुद के पास ही है। 94 में नगर निगम आए तो 26 साल का रिकॉर्ड तो नगर निगम के पास ही है, इनके पास ही। फरीदाबाद हम बता दें आपको, बड़खल गांव से ही हम रिलेटेड हैं, बड़खल गांव से ही रहने वाले हैं, लेकिन जब 1980 की हमारी पैदाइश है, जब से हमारी पैदाइश है, ये जो हरिजन मोहल्ला है ये बसा हुआ है, और जो लोग हैं आसपास के ये तभी से बसे हुए हैं, तो जन्मजात से ही लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन इस तरह की कार्रवाई नगर निगम द्वारा, और बताया जा रहा है कि जब कृष्ण पाल जी ने को आश्वासन दिया था कि आगे जो कार्रवाई होगी वो गांव में नहीं होगी, केवल जो पहाड़ी क्षेत्र है जो जमाई कॉलोनी थी वहां पर कर दी गई है, उसके बावजूद भी लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई गांव में की जा रही है। अरावली के चक्कर में हम परेशान किए जा रहे हैं। हमारा जो PPL कौन सा PPL पे उसमें हमारा आता ही नहीं है, वो ऊपर पहाड़ पे आता, फार्म हाउस पे लागू होता, वहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं है। ये तो छोरा और छोरी दोनों जब जाते कहाँ है? अच्छा तुम्हारे मकान है? हाँ मेरा ही भाई, मेरे बहू पेट सुई पूरे लग रहे, मेरे बहू झोंपड़ी रह रहे। कितने साल से रह रहे हैं? हमारा देख मीटर देख ले, हमारे दादा परदादा ने किए हैं, हमने कोई ऐसी चीज ना, हमने कहीं घेरी है, सामान भी ना लिखा, बालक मेरे भीतर बड़े पड़े, जब मैं जैसी भी कहा खड़ी हुई, जब जाके मशीन बंद हुई सब चिल्लाए एकदम से, कोई हमने कोई घेरी ना, हमने कोई काई छीनी ना, जो हमारा अरे मशीन का खड़ी हुई, मैं जब जब पुलिस वाले ने एक ने रुकाई, जैसे मैं लग गई ऐसे दीवार में रोड मच गई, मेरे बहू का हार से पूरे दिन बहू पे चला धारक सामान उठा कर, जो एकदम छोरी मेरे नीचे एक पोती घर में ही, चार पांच बालक मेरे भीतर, छोरी बहू सब कुछ, जो एकदम आकर ऐसी चलाई, मौका भी ना दी, पहले ही नहीं कहा कि आप सामान निकाल लो या बच्चों को निकाल लो, कोई कोई नोटिस ना है, कुछ भी ना है हमको, खैर खबर भी नहीं भाई कुछ भी। आगे भी मुनादी कर रहे हैं कि पुलिस वाले आए हैं कि भाई इनको तोड़ो, नोटिस देर से कह के गए हैं, ये मकान आपका, मैंने कहा जी मेरा है, जरा भैया सामान खाली कर लेना, अब दियो अब हमको ना दिन घर के नोटिस पर ना, हमसे भी मेरा सामान खाली कर लेना। फरीदाबाद बड़खल गांव के लोगों में लगातार दहशत का माहौल बनाया हुआ है, और जो कार्रवाई थी PLPA एक्ट पे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के, उनको मैनिपुलेट करके बड़खल गांव में कार्रवाई की जा रही है, जो पहाड़ी क्षेत्र के अलावा अब गांव में जो है दस्ता घुसा है, और लोगों को ऐलान किया जा रहा है कि अपने घर खाली कर दें और उनकी तोड़फोड़ की कार्रवाई जो है पर गांव में की जाएगी। लेकिन यह कार्रवाई किस प्रकार से की जा रही है, किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की जा रही है या किसी भेदभाव के तहत की जा रही है, यह बड़ा विषय है।